फ्रेंड्स, दिस इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया, एक्सपोनेंट एंड पावर, और मैंने आपको उसके बेसिक सब समझाए। अब इस वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1। और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 3^-2। सेकेंड पार्ट है -4^-2। थर्ड पार्ट है 3^-5। हमें मेन इवेल्यूएट करना है, यानी कि हमें वैल्यूज निकालनी है। मैंने आपको इजीली सब समझाया है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में मेरे पास 3^-2। अब मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, अगर एक्सपोनेंट को चेंज करना है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में लाना है, तो एक्सपोनेंट को हमने मतलब फिर इसको रेसिप्रोकल करना होगा टर्म को। ऑलराइट, तो टर्म को रेसिप्रोकल करना है। मान लीजिए ये है मेरे पास a^-m, तो a^-m क्या हो जाएगा, 1/a^m हो जाएगा ना। तो उसी तरह से 3^-2 क्या हो जाएगा, 1/3^2। तो 3^2 क्या हो जाएगा, 1/3 × 3 विच इज इक्वल टू 1/9। यानी कि 3^-2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/9। ये हो गया बच्चे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चे -4^-2। ओके, अब ये भी सिमिलरली वैसा ही होगा। a^-m किसके इक्वल है, 1/a^m। तो यहाँ पे भी क्या होगा, -4^-2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/-4^2। नेगेटिव टर्म पॉजिटिव होगी रेसिप्रोकल करने से। तो अगर हम इसकी एक्सपोनेंट खोल दें, पार्ट्स खोल दें, तो क्या होगा, 1/-4 × -4 विच इज इक्वल टू 1/4 × 16। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि मेरा -4^-2 का आंसर क्या आ गया, 1/16। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट बच्चे, ये हो गए इसके इस फर्स्ट क्वेश्चन के टू पार्ट। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है इसका 12^-5। अब 12^-5 है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/12^5 हो जाएगा, ठीक है, 1/12^5। यहाँ पे 12 है या 2 है, मैंने जिस बुक से यहाँ पे पेस्ट किया वहाँ पे 12 था, अगर यहाँ पे 2 है तो आप 1/2^5 कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/12 × 12 × 12 × 12 × 12 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 2 है अगर तो 1/2 × 2 × 2 × 2। अगर 12 है तो 12 लीजिए, 2 है तो 2 लीजिए। आपको अपनी बुक पे देखना पड़ेगा क्या है, 12 है या 2 है। ओके, तो अगर 2 है तो मेरा यहाँ पे बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इज लिटल बिट रॉन्ग मे बी। आपका बच्चे क्वेश्चन था यहाँ पे थर्ड पार्ट, या दिस इज नॉट द क्वेश्चन, 12 नहीं है बच्चे यहाँ पे। आपका जो क्वेश्चन है वो है थर्ड पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपका 1/2^-5। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2^-5 को प्लीज सी क्लियरली। एक्सपोनेंट नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, 2/1^5। ओके, सो 2/1^5 है, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 32। यानी कि 1/2^-5 का आंसर आ गया 32। तो ये हो गया बच्चे हमारा 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके थे बच्चे 3 पार्ट। ऑलराइट, अब चलते हैं बच्चे हमारे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। उसे बोला सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर को पावर में ही रहने दीजिए विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, बट पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलराइट, अब फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है दिस वन, -4^5 डिवाइडेड बाय -4^8। अब ये तो बच्चे वो हो गया a^m
डिवाइडेड बाय ए रेस टू पर एन विच इज इक्वल टू ए रेस टू पर एम माइनस एन ना, तो लगाएं फिर ए रेस टू पर एम माइनस वन। इसमें ए क्या है माइनस फोर, एम क्या है फाइव और एन क्या है एट, है ना। तो वैल्यूज पुट कर दें, सो माइनस फोर फाइव माइनस एट, क्लियर हो गया बच्चे। तो अब 5 माइनस एट क्या हो जाएगा माइनस थ्री, यही होगा माइनस फोर रेस टू पर माइनस थ्री। अब माइनस फोर रेस टू पर माइनस थ्री को हमें माइनस थ्री नेगेटिव में जैसे पॉजिटिव करना होगा, तो अगर पॉजिटिव करेंगे तो हमारा क्या होगा 1 अपॉन माइनस फोर रेस टू पर थ्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसने कहा है कि पावर में ही रहने देना है लेकिन एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा माइनस फोर रेस टू पर फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फोर रेस टू पर एट, इसका आंसर क्या आ गया वन अपॉन माइनस फोर रेस टू पर थ्री। मैं आपको दोबारा क्लियर करती हूँ, ए रेस टू पर एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू पर एन टर्म है, तो उसका क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ए रेस टू पर एम माइनस एन। अब ए क्या है माइनस फोर, एम है फाइव और एन क्या है एट, तो वैल्यूज पुट की इसमें माइनस फोर रेस टू पर एम माइनस फाइव माइनस एट या एम माइनस एन, तो क्या आ गया फाइव माइनस एट माइनस थ्री। तो अब एक्सपोनेंट नेगेटिव है से पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल इस टर्म को, इसका रेसिप्रोकल क्या वन अपॉन माइनस फोर रेस टू पर थ्री आ गया। और एट अब करते हैं बच्चे इसका हम सेकेंड सम, सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है बच्चे, वन अपॉन टू रेस टू पर थ्री और उसका भी होल पार टू, ओके। अब इस सम में हम क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा वन का होल स्क्वायर अपॉन टू की पार थ्री और उसका पार स्क्वायर, यही होगा। पहले स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई फिर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं हम, ओके। तो वन की स्क्वायर तो वन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टू रेस टू पार थ्री मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा, वाई बिकॉज ए रेस टू पार एम रेस टू पार एन किसके इक्वल है ए रेस टू पार एम मल्टीप्लाई बाय एन के, इसी के इक्वल है, यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। तो ये भी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी टू रेस टू पार थ्री इंटू टू के, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा टू रेस टू पार सिक्स। तो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर वन अपॉन टू रेस टू पार सिक्स। अब करते हैं बच्चे इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है बच्चे, थर्ड पार्ट इज माइनस थ्री रेस टू पार फोर इंटू फाइव अपॉन थ्री रेस टू पार फोर, ओके। अब माइनस थ्री रेस टू पार फोर इंटू फाइव रेस टू पार फाइव अपॉन थ्री रेस टू पार फोर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये वाली टर्म को हमें देखना पड़ेगा, ये वाली टर्म किसके इक्वल आएगी 5 रेस टू पर 4 अपॉन 3 रेस टू पर 4 के इक्वल आएगी। ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखो, ये माइनस वन इसमें से अलग एक्सट्रैक्ट कर ले, माइनस थ्री है, मैं इस माइनस थ्री को लिख सकती हूँ माइनस वन इंटू थ्री, ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस थ्री को माइनस वन इंटू थ्री, तो हमें ऐसे लिख देते हैं माइनस वन इंटू थ्री, इसकी भी पार फोर इसकी भी पार फोर, ओके, मल्टीप्लाई बाय फाइव रेस टू पार फोर अपॉन थ्री रेस टू पार फोर, ये तो है ही है एज इट इज चलेगा। अब इसके बाद बच्चे हम देखिए क्या करेंगे, माइनस वन की पावर फोर ये तो क्या हो जाएगा वन नहीं होगा, तो वन इंटू थ्री रेस टू पार फोर इंटू फाइव रेस टू पार फोर अपॉन थ्री रेस टू पार फोर ही होगा। तो वन अगर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन पे, तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री रेस टू पार फोर इंटू फाइव रेस टू पार फोर अपॉन थ्री रेस टू पार फोर, तो थ्री रेस टू पार फोर से ये थ्री रेस टू पार कट कर देंगे, ऊपर नीचे है तो ये कटिंग हो जाएगी ना, तो दिस विल बी कट विद दिस, तो हमारे पास क्या बचा फाइव रेस टू पार फोर, ये हमारा आ गया बच्चे आंसर, ओके। दिस इज द थर्ड पार्ट, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले फाइव अपॉन थ्री रेस टू पर फोर है, तो पहले इसका एक्सपोनेंट इसको दे देते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले को दे दिया, तो क्या आ गया फाइव रेस टू पर फोर थ्री रेस टू पर फोर। अब माइनस थ्री अपॉन फोर है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू थ्री, इसकी भी पार फोर इसकी भी पार फोर, माइनस वन की पार फोर क्या होगी वो तो वन होगी,
तो वन को हम खत्म ही कर देते हैं और लिखने का कोई फायदा नहीं। क्या बचा 3 raised to power 4 इंटू 5 raised to power 4 अपॉन 3 raised to power 4। अब ये दोनों कट रहे हैं 3 raised to power 4 और 3 raised to power 4, इन्हें काट दिया तो मेरे पास बचा ओनली 5 raised to power 4। तो ये आ गया मेरा करेक्ट आंसर। ये था हमारा बच्चे थर्ड। अब करते हैं हम इसका बच्चे फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है, 3 raised to power -7 डिवाइडेड बाय 3 raised to power -10 इंटू 3 raised to power -5। अब ये सम करने के लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी ऑब्वियसली एज अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। डिवाइड का है तो क्या होगा, माइनस होता है जब भी डिवाइड हो, मतलब a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n हो तो क्या होगा, a raised to power m - n होगा। यही हमारा रूल है, तो लगा देते हैं हम यही वाला रूल यहाँ पे, दैट 3 raised to power -7 - 10। ओके यही हुआ, इंटू 3 raised to power -5 सिमिलरली वो चलेगा। ओके अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 10, तो प्लस माइनस माइनस 3 की पावर क्या आ गई बच्चे 3 इंटू 3 raised to power -5। अब ये क्या बना रहा है, मल्टीप्लाई, बेस सेम एक्सपोनेंट अलग, तो ये क्या हो रहा है, a raised to power m मल्टीप्लाई बाय a raised to power n विच इज इक्वल टू a raised to power m + n। पावर्स ऐड होंगी, एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, तो क्या हो जाएगा 3 raised to power 3 + -5 है यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 3 raised to power 3 - 5 विच इज इक्वल टू 3 raised to power -2। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट से लेकर नेगेटिव में आ गया, लेकिन हमें किस में चाहिए, पॉजिटिव में। तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे 3 का, तो 1/3 raised to power 2 ये हो गया हमारा आंसर। ओके टफ नहीं है बच्चे, ये भी सम बहुत इजी है, आप लोग एक बार दोबारा ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आए ना। अब करते हैं बच्चे सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, विच इज फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चे, 2 raised to power -3 इंटू -7 raised to power -3। अब देखिए क्या है, बेसिस अलग है बट पावर अलग सेम ना। तो इस केस में बच्चे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें जो एक्सपोनेंट हमारे नेगेटिव हैं हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक्सपोनेंट जो नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 raised to power 3 इंटू 1/-7 raised to power 3। इसमें हमने वही लगाया a raised to power m - n इज इक्वल टू 1/a raised to power m। ओके अब ये क्या है बच्चे, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर्स जो है वो सेम है। तो जब हमारे पास ऐसे होता है दैट a raised to power m इंटू b raised to power m, तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं बच्चे, ab raised to power m के। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो हो जाएगा, दैट इज 2 - -7 raised to power क्या हो जाएगा 3, एंड 2 7 14, लेकिन माइनस है तो -14 raised to power 3। ये हो गया बच्चे आंसर। उसने कहा था कि जो आपके एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव होने चाहिए, एक्सपोनेंट्स हमारे इसमें सब में क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चे अब करेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। वो भी बहुत इजी है बच्चे, ऐसे ही करने है, पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर ही ऐसे ही है, वैल्यूज निकालनी है, एक्सपोनेंट पावर बस ऐसे करके। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आ जाएंगे ना बच्चे, तो आपको सम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। उसका फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यूज निकालनी है, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 raised to power 0 प्लस 4 raised to power -1 इंटू 2 raised to power square। अब इसको बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे हम, कुछ भी मुश्किल है। देखिए 3 raised to power जो 0 है, 3 raised to power 0 किसके इक्वल होगा बच्चे, 1 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। यहाँ पे पहले लिख दीजिए दैट बिकॉज a raised to power 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 3 raised to power 0 भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 4 raised to power -1 इंटू 2 raised to power 2।
अब 4 raised to power -1 एक्सपोनेंट -1 है तो उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो अब उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि अगर a raised to power माइनस एम है तो वो क्या हो जाएगा 1 upon a raised to power m ना, तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 upon 4 raised to power 1 into 2 raised to power 2। अब अंदर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा इक्वेशन को, मतलब इसके नीचे 1 है तो 4 1 the 4 4 1 the 4 plus 1 into 2 की पावर स्क्वायर, मतलब 5 upon 4 into 2 की पावर स्क्वायर। और अब ये क्या है बच्चे, 5 upon 4 into 2 की पावर स्क्वायर है ना, अगर हम 2 की पावर स्क्वायर है इसको खोल लें, 2 की पावर स्क्वायर खोल के क्या हो जाएगी, 2 2 the 4, 4 से 4 की कटिंग हो गई, हमारे पास आंसर क्या बचा 5, तो 5 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट, तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का ए पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकेंड पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, 2 raised to power -1 into 4 raised to power -1 डिवाइडेड बाय 2 raised to power -2। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसकी ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, a raised to power m मल्टीप्लाई बाय b raised to power m, तो ये किसके इक्वल होगा, ए बी raised to power m। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 4 raised to power -1 डिवाइडेड बाय 2 raised to power -2। अब 4 2 का क्या हो जाएगा, 8 minus 1 डिवाइडेड बाय 2 raised to power -2। ऑल राइट बच्चे, अब आगे क्या करेंगे हम, 2 into 4 मतलब 8 raised to power -1 हो जाएगा, तो 8 raised to power जो माइनस वन है वो नीचे जाके बच्चे क्या हो जाएगा, 1 upon 8 डिवाइडेड बाय 2 raised to power -2, 1 upon 8 हो जाएगा। अब ये जो 1 upon 8 है, मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं ना 2 का क्यूब, तो 1 upon 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 raised to power -2। अभी जो 2 का क्यूब है, 2 का पावर मतलब 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3। वाई, बिकॉज a raised to power माइनस एम किसके इक्वल है, 1 upon a raised to power m के इक्वल है, तो 2 की पावर क्यूब -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब फिर क्या हुआ, बेसिस सेम है, मतलब a raised to power m डिवाइडेड बाय b raised to power n के इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, a raised to power m minus, this is a, बेसिस सेम है तो m minus n हो जाएगा, मतलब एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 minus -2, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 plus 2, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी, -1, तो 2 की पावर -1 बच्चे क्या हो गया हमारा आंसर। आप इस चाहो तो आगे भी सॉल्व कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 upon 2। ओके बच्चे, मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो देखिए, मेरे पास है 2 की पावर -1 into 4 की पावर -1, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, a की पावर m into b की पावर n, तो a b मल्टीप्लाई a b की पावर m हो जाएगा, a b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 into 4 minus 1, तो 2 4 8, 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2, 8 की पावर -1 है, लिख सकते रेसिप्रोकल किया तो प्लस हो गया, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, रेसिप्रोकल किया। अब ये क्या है, बीच में डिवाइड, बेसिस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग है, तो डिवाइड का साइन हो तो आपस में ये माइनस हो जाते हैं एक्सपोनेंट, तो -3 minus -2, एक्सपोनेंट्स क्या हो गए आपस में माइनस, तो माइनस करके क्या आया इन दोनों को, हमारे पास बचा -1, तो -1 नीचे जाके क्या हो गया, 1 upon 2। ये हो गया हमारा बच्चे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं हम हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, (1/2)-2 + (1/3)-2 + (1/4)-2। अब देखिए इसमें क्या है, जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट है वो बिल्कुल ही सेम है। अब जब एक्सपोनेंट सेम है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए
अगर हमारे पास यहाँ पर है बच्चे माइनस टू, ऑलराइट, तो अगर हमें इसे पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, जो पावर है वो ऊपर ले आएंगे, जो नीचे वाला है वो मतलब रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2^2 + 3^2 + 4^2 ऐसे ही होगा, बाय बिकॉज a^m किसके इक्वल है, a^-m किसके इक्वल है, a^m के इक्वल है। ऑलराइट, तो मेरे पास क्या आ गया, 2^2 + 3^2 + 4^2। ऑलराइट, अब आगे बच्चे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको अगर हम चाहें तो ओपन अप करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 3 = 16, तो सबको ऐड करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 29। बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन, देखिए 1/2 है इसका, मैंने रेसिप्रोक मतलब नेगेटिव है ना, सिंपल सी चीज़, अगर नेगेटिव है मुझे इसे पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करने के लिए इस टर्म का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3, 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4, और पावर्स नेगेटिव से पॉजिटिव बन गई। अब पावर्स बन गए तो खोल लीजिए, 2^2 मतलब 4, 3^2 मतलब 9, 4^2 मतलब 16, तीनों को ऐड करके आंसर आता है 29। ऑलराइट, अब चलते हैं बच्चे हम हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चे, 3^-1 + 4^-1 + 5^-1 ऊपर से 0। अब आपको पता है किसी की भी पावर क्या 0 हो तो वो क्या बन जाता है 1, हम इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लो ये दो नंबर में आ गए तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले सॉल्व करते हैं, देखिए ये नेगेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव, तो a^-n किसके इक्वल है 1/a^n के ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 + 1/4 + 1/5^0। अब किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, सो a^0 किसके इक्वल है 1, तो इसका आंसर आ गया 1, ये आ गया हमारा आंसर। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके भी 1 कर सकते हो, लेकिन अगर हमारा डायरेक्ट आंसर 1 आ रहा है तो हम इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ए, ये पूरा का पूरा ए है, a^0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो ये आंसर आ गया हमारा 1। अब करते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ पार्ट है -2/3^-2^2। ओके, और इसको बच्चे हम बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो -2 × 2 है, मतलब ये क्या हो रहा है, a^m × n मतलब कि a^mn, तो ये क्या हो जाएगा -2^3 क्या हो जाएगा -2 × 2 विच इज इक्वल टू -2/3 × -4, ये किसके इक्वल हो गया -4 के। अब -4 है, सबसे पहले -4 है तो इसे 4 में ले कन्वर्ट करना था, पॉजिटिव को नेगेटिव वो कैसे करेंगे, a^m - n किसके इक्वल होता है 1/a^m के, मतलब रेसिप्रोकल, मतलब -2/3 किस में हो जाएगा रेसिप्रोकल, -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/-2, एक्सपोनेंट चेंज हो गया पॉजिटिव। और अब मेरे पास क्या आ गई 3/-2^4, अब इसको खोलें मतलब 3^4 और -2^4 है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 -2 × -2 × -2 × -2, तो 3^4 मतलब 81 और 2^4 मतलब 16, तो 81/16 क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम पहले 3 क्वेश्चन ही करेंगे हमारे एक्सरसाइज 12.1 में, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। टिल देन थैंक यू।